क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब एक जो है वो स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट जो है टॉप की फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर हाइट इज 1.5 मीटर। तो ये ले लेते हैं हाइट 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो ये स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए दूसरी स्लाइड बनाना चाहते हैं। शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड की मतलब जो ज़्यादा जो है खड़ी स्लाइड हो और एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट 3 मीटर हो एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जिसका ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो, ठीक है, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये स्लाइड है, इनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट इसमें ट्रायंगल को मान लेते हैं हम ए बी सी और इसमें पी क्यू आर। तो इसमें जो है हमें ये ए सी फाइंड करनी है और इसमें पी आर फाइंड करना है, और हमें ये गिवन है ये एंगल के सामने वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगी दोनों केसेस में। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन, दूसरी साइड हमें जो फाइंड करनी है वो है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। तो नाउ पहली इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस है ए सी जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। तो नाउ ए बी की वैल्यू है 1.5 अपॉन ए सी हमें फाइंड करना है, और साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर लाएंगे, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी, 1.5 इंटू 2 होता है 3, तो ये ए सी की लेंथ आ गई 3, और ये 1.5 मीटर में था तो ये भी 3 मीटर में होगा। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं, इसमें भी सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लग सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो सेम तरीका यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर है यहाँ पर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस है पी आर इक्वल टू साइन, यहाँ पर लेकिन एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो पी क्यू हमें गिवन है 3 अपॉन पी आर जो है वो गिवन नहीं है, फाइंड करना है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को इधर लाते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और पी आर को उधर लेकर जाते हैं तो √3 PR, या फिर इस √3 को भी हम इसके अपॉन में ला सकते थे। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे, √3 × √3 होता है 3, तो 3 × 2 = 6, तो ये जो पी आर लेंथ है ये हमारी आ गई 2√3 मीटर, क्योंकि ये भी हमें मीटर में गिवन था। तो ये दूसरी स्लाइड की लेंथ आ गई, ये फर्स्ट स्लाइड की लेंथ आ गई।